पिछले कुछ वर्षों में युवा पीढ़ी का नशे की ओर रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है और ये चिंता का विषय है कि स्कूली बच्चे भी बड़ी संख्या में नशे की चपेट में आ रहे हैं। समाज में ऐसे भी कई लोग हैं जो युवाओं में बढ़ती नशे की लत से चिंतित हैं और इसे रोकने के लिए व्यक्तिगत तौर पर ठोस प्रयास कर रहे हैं। इनमें से एक है चंबा जिले में चुराह क्षेत्र की खुशनगरी पंचायत के सेवानिवृत्त अधिकारी ओपी शर्मा। ओपी शर्मा भारत सरकार के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से सेवानिवृत्त हुए हैं और इन्होंने नशे का व्यापार करने वाले लोगों पर अंकुश लगाने के लिए अपने सेवाकाल में भी सराहनीय कार्य किया है। सेवानिवृत्ति के बाद अब ओपी शर्मा ने अपने इलाके के युवाओं को नशे से दूर रखने का बीड़ा उठाया है। ओपी शर्मा ने अपने गांव में एक फार्म हाउस खोला है जहां वे फूलों की खेती करने के अलावा युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश भी देते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में जोनल अधीक्षक था चंडीगढ़ में और जम्मू पंजाब और हिमाचल में मैंने बहुत काम किया था और उस वक्त मेरे संज्ञान में भांग की खेती और अफीम की खेती का एक बहुत बड़ा विषय हमारे सामने आया था और कुल्लू मंडी और जम्मू कश्मीर में भी ये खेती क्योंकि बहुत पाई जाती है और बहुत सारे किसान इसमें इन्वॉल्व थे। मेरी एक सोच उस वक्त ये विकसित हुई कि यदि किसानों को किसी संस्था के माध्यम से किसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से यदि हम लोग वैकल्पिक तौर पे विकसित करें उस कम्युनिटी को उस फार्मिंग फ्रेटर्निटी को तो ये बहुत अच्छा होगा। लोग नशे का उत्पादन नहीं करेंगे और उस तरह से लोग भी युवा भी जो है नशे के दलदल में नहीं फंसेंगे। ओपी शर्मा के फार्म हाउस में कई युवाओं को रोजगार मिला है और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में भी उनमें जागरूकता आई है। युवाओं को बेरोजगारी से मुक्त करने के लिए यहाँ रोजगार दिया। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं कभी बेरोजगार रहा हूँ। मेरे को 365 दिन यहाँ रोजगार मिलता है। हमारे बहुत से किसान भाई यहाँ पे काम करते हैं, उन सब का परिवार चल रहा है, उन्हें भी रोजगार मिल रहा है। मैं यहाँ पोली हाउस में काम करता हूँ और यहाँ बहुत मज़ा आता है पोली हाउस में काम करने का, क्योंकि हम बेरोजगार आदमी हैं यहाँ पर और इस फूल खेती से हमारे को रोजगार मिलता है और हमारा परिवार भी इसी से चल रहा है। ओपी शर्मा ने उम्र भर नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और वे अपने क्षेत्र के युवाओं को भी नशा मुक्त बनाना चाहते हैं। समाज को नशा मुक्त बनाने के ओपी शर्मा के प्रयास सराहनीय हैं। चंबा से डीडी न्यूज के लिए मंजूर मोहम्मद की रिपोर्ट।